1993 के बाद से मध्य प्रदेश की बैतूल विधानसभा के बारे में यह मिथक लगातार बना हुआ है, जिसका बैतूल उसका मध्य प्रदेश। दरअसल बैतूल विधानसभा क्षेत्र को लेकर पहला मिथक यह है कि यहां जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतकर आता है, प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 1952 के बाद से केवल एक बार 1980 में ये मिथक टूटा था, लेकिन उसके बाद से दोबारा यह मिथक आज तक कायम है। वहीं दूसरा मिथक यह है कि 1980 के बाद से अब तक बैतूल विधानसभा में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी लगातार दो बार चुनाव नहीं जीता सका है। 1977 में जनता पार्टी ने यहां चुनाव जीता और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं 1990 में भाजपा के भगवत पटेल यहां से चुनाव जीते और प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार बनी थी। इसके अलावा 1993 में कांग्रेस के डॉक्टर अशोक साबले विधायक चुने गए थे और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी थी। तब से लेकर अब तक यह मिथक लगातार जारी है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के निलय विनोद डागा को यहां से जीत मिली थी और प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बैतूल के वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक नवनीत गर्ग के मुताबिक भारत का संविधान लागू होने के बाद बैतूल विधानसभा में भी पहला चुनाव 1952 में हुआ था। साल 1952, 1957 और 1962 में लगातार तीन बार यहां कांग्रेस जीती और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही। इसके अलावा 1972 में बैतूल विधानसभा से फिर कांग्रेस जीती और प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की बनी। केवल 1980 ऐसा साल आया जब बैतूल से जनता पार्टी जीती, लेकिन प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मध्य प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी इतिहास की सबसे जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में बैतूल विधानसभा का भी यही हाल है, जहां पर कोई भी अनुमान लगाना बेमानी साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर वर्तमान विधायक निलय डागा को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है।